आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम सूजी मैदा के मीठे पूड़े बनाने जा रहे हैं। आइए हम बताते हैं इसमें क्या क्या सामान यूज होता है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल बटन दबाना। आधी कटोरी सूजी, आधी कटोरी मैदा, आधी कटोरी चीनी और एक चम्मच देसी घी, तलने के लिए तेल, 5 इलायची, 10-12 काजू, 10-12 बादाम और घोलने के लिए पानी, इन सभी सामानों की हमें बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम इन तीनों चीज़ों को मिलाकर घोल बना लेते हैं। बादाम और काजू को हम दरदरा कूट लेते हैं। आइए हम घोल बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर मैं ये सूजी डाल रही हूँ। ये मैदा, चीनी और ये एक चम्मच जो हमने घी लिया है ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब हम पानी डालते हैं इसके अंदर और इसको मिलाते हैं। पानी एक साथ ज़्यादा नहीं डालना। बस हमें इसके अंदर इतना ही पानी डालना है। इतना पानी डालने के बाद अच्छे से मिलाएं जिससे इसके अंदर गांठे ना रहें। हमको ये ऐसा रखना है और इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। इतने हम अपने काजू बादाम दरदरे कूट लेते हैं। ये सूजी मैदा का मिश्रण हमारा फूल चुका है और इसके अंदर हम ये बादाम जो हमने दरदरे कूट लिए हैं, काजू ये भी हमने कूट लिए थे, ये भी डाल रहे हैं। इलायची का पाउडर ना दें आप, इलायची कूट के ये डालेंगे तो ये ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये हमने मिला लिया है। मीडियम गैस पे मैंने पैन रख दिया है। अब इसके अंदर हम ऑयल डालते हैं। हमारा 2 मिनट में ऑयल गर्म हो जाएगा, फिर हम पूड़े बनाने शुरू करते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, गैस हमने मंदी कर दी है और अब हम पूड़ों का पेस्ट इसके अंदर डालते हैं। आप हाथ से भी डाल सकते हैं, जैसा आप चाहें उस तरह से डाल सकते हैं। वैसे तो ये होली के त्यौहार पर बनते हैं, लेकिन जब कभी मीठा खाने का मन हो तो जब आप बना के इन्हें कभी भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। हमें ये गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करने हैं। आप इनको बिल्कुल आराम आराम से पलट लीजिएगा। हमारे पूरे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको हम प्लेट में उतार लेते हैं। आराम से साइड से लगा के एक्स्ट्रा घी निकाल दें और आराम से उतार लें। इन्हें बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से बन जाते हैं ये। बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि हमें सूजी मिलाने में कोई गलती नहीं करनी है। हमारे सूजी मैदा के मीठे पूड़े खाने के लिए तैयार है। खाना भी, खिलाना भी, कमेंट में बताना भी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।